स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से अर्जुना कोचिंग क्लासेस बिलासपुर में तो एग्रीकल्चर में जो हम हॉर्टिकल्चर वाला सेक्शन पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था आपका ओलेरीकल्चर वाला पार्ट आ, उसमें हमने जो सब्जियाँ थी उसका वर्गीकरण पढ़ा था आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे पोमोलॉजी के बारे में देखिए पोमोलॉजी जिसको हिंदी में फल विज्ञान कहा जाता है मैंने आपको बताया था कि ये जो है आपका ग्रीक और लैटिन दोनों भाषा से बना है ये एक लौता एग्रीकल्चर का एक्सेप्शन है जिसके लास्ट में लॉजी आने के बावजूद भी वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीक ना होके लेटिन रहता है ठीक है कॉम्बिनेशन है ये आपका कॉम्बिनेशन किस चीज का है तो दो वर्ड से मिलके बना हमने पहले डिस्कशन किया था पोमम प्लस लॉगस पोमम मींस फ्रूट लॉगस मींस उसकी स्टडी करना ठीक है तो फ्रूट की स्टडी ये आपका क्या कहलाता है पोमोलॉजी अच्छा बात यह आती है कि फ्रूट में स्टडी क्या करना है क्या चीज़ें जाननी हमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो ये जानना है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है जैसे कि आपको मैंने सब्जियों के बारे में बताया था एज इट इज़ आपके फ्रूट का भी इंपॉर्टेंस है फॉर न्यूट्रिएंट एंट इसमें विटामिनस मिलते हैं इससे प्रोटीन्स मिलते हैं इससे कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं फैट मिलता है एनर्जी मिलती है फाइबर्स मिलते हैं एक्सेट्रा 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 फॉर एन जाम्पल आपको पता है अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा जो आपको बोला जा रहा है विटामिन सी खाने के लिए जिसमें हमें सजेशन किया जाता है कि भाई आप नींबू खाइए ठीक है तो नींबू क्यों बोला जा रहा है क्योंकि उसमें विटामिन सी पाया जाता है आम के लिए विटामिन ए खाया जाता है ठीक है तो ये सारी चीजें क्या है आपके न्यूट्रियन फैक्टर से रिलेटेड रहती है ठीक है जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात जब भी की जाती है आपका ड्रूप्स के जो फ्रूट्स रहते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा पाए जाते हैं तो दीज काइंड एंड uh, these are the main purposes for consuming the fruit material into your daily life. ठीक है ये जरूरी है आपको न्यूट्रिएंट चाहिए ही चाहिए अब जैसे कि मैंने आपको बताया ये दो वर्ड है आपके कौन कौन सा दो वर्ड है पहला आपका ग्रीक है प्लस दूसरा लेटिन है पोम प्लस लॉगस सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज ये आता है आपको ये पूछा जाता है कि भी एक मानव के प्रतिदिन प्रति आहार में सब्जियां कितनी थी आपकी 300 ग्राम थी यहां पे बात करते हैं फ्रूट्स की तो फ्रूट का 300 ग्राम तक नहीं जाता है थोड़ा कम जाता है थोड़ा क्या बहुत ही कम जाता है? जाता है है 50 टू 60 ग्राम माना कि पर डे पर ह्यूमन 50 टू 60 ग्राम फ्रूट्स खाने चाहिए बट क्या ये रियलिटी है क्या हम सच में इतना खाते हैं मुश्किल से अगर हफ्ते में एक दो दिन खा लिए तो बहुत बड़ी बात होगी उसमें भी मुश्किल से एक सेव या आधा सेव ही खाते हैं तो ये एक लैक ऑफ अवेयरनेस है लैक ऑफ एक्सपीरियंस है लैक ऑफ नॉलेज है जिसके वजह से जो हम बोलते हैं ना कि भाई हमारा संपूर्ण विकास नहीं हो पा रहा है तो ये होता है उसका रीजन कि हम प्रॉपर वे में वेजिटेबल्स फ्रूट्स इनका कंजप्शन नहीं करते हैं। क्लियर है तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये है कि पर डे पर ह्यूमन कितना आपका फ्रूट खाना चाहिए तो याद रखेंगे फिफ्टी टू सिक्सटी ग्राम अब ये डिवाइड रहता है भाई कि आपको थैलेमस वाला पार्ट खाना है मतलब फ्लैशी पार्ट्स खाने हैं लीफी पार्ट्स खाने हैं ये अलग मैटर है बट 50 टू 60 ग्राम पर डे एवरेज एक ह्यूमन का कंजप्शन होना चाहिए चल इसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन की जैसा कि मैंने आपको बताया था क्रॉप से रिलेटेड डिटेल्स आपको नोट्स में मिल जाएंगे यहां पे आपको क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो उनके बारे में डिस्कशन किया जाएगा जैसे एक साल आपका सवाल पूछा था कि भाई सर्दियों में या फिर जो शीत ऋतु रहती है ऋतु नहीं बोलेंगे में में इसको प्लेसेस के फॉर्म जाते हैं कि भाई ठंडे जगह पे कौन से फल उगते हैं तो आपको पता होगा जो आपका हिमालयन रीजन है वो फेमस है आपके किसके एप्पल के कल्टिवेशन के लिए एज इट इज अगर आप शिमला वाले पोर्शन में जाएंगे तो वहां आपको स्ट्रॉबेरीज ज्यादा मिलेंगी एज इट इज आप जैसे जैसे नीचे आएंगे से आप नीचे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा सब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल से नीचे आएंगे आपको मिलेगा ट्रॉपिकल तो ये क्लासिफिकेशन ही हम पढ़ेंगे तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है, आपका, वो है फलों के पकने के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूट मैच्योरिटी कि भाई आपका फल जो है वो पक कब रहा है ठीक है अब एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि सब्र का फल मीठा होता है क्या होता है सब्र का फल मीठा होता है तो यहां पर भी यही चीज बताया जा रहा है कि किस फल के लिए आपको सब्र करना पड़ेगा और किस फल को आप तोड़ के खा सकते हैं क्लियर है तो यहां पे देखिएगा क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे आपका डिवाइडेड है पहला है आपका क्लाइमेटिक फ्रूट दूसरा है आपका नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट तो देखिए क्लाइमेटिक फ्रूट्स क्या होते हैं ऐसे फ्रूट्स जिसको पौधे से तोड़ने के बाद भी पकाया जा सकता है ध्यान देंगे पकने के आधार पर पक, पकने के आधार जो बोला जा रहा है उसका मतलब यह है कि किन फलों को पेड़ में ही पकना पड़ेगा या पेड़ में ही पकते हैं बाहर नहीं पकते और किन फलों को आप तोड़ के बाहर पका सकते हैं यही इस क्लासिफिकेशन में पढ़ना है तो जो क्लाइमेटिक फ्रूट्स हैं ठीक है जिसको मौसमी सब्जी भी आप बोल सॉरी मौसमी फल भी आप बोल सकते हो तो ये ऐसे फल रहते हैं जिनको पेड़ से या वृक्ष से या पौधों से तोड़ने के पश्चात अलग से पकाया जा सकता है ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा मेच्योरिटी इनका प्लांट में होगा ना आप इनको तोड़िए कच्चे कंडीशन में तोड़िए ठीक है थीके? क्या है कच्चे जो आपका सॉलिड सॉलिड नहीं बोलेंगे इसको अपन रॉ पोर्शन बोलते हैं जो रॉ मटरियल रॉ मेच्योरिटी आप इसको तोड़िए और इसके बाद आप बाहर इसको रख के या कोई भी कंडीशन में इसको आप पका सकते हैं बेस्ट एग्जाम्पल आपका सबसे पहला ही है आम ठीक है आम को आपने देखा होगा कच्चे में तोड़ते हैं वो पक जाता है केला भी आप देखेंगे कच्चा केला को अगर आप बहुत दिनों तक रखेंगे पांच दिन दस दिन पंद्रह दिन वो धीरे धीरे पकने लगता है ठीक है फिर आपका चीकू है पपीता भी है अंजीर है आपका सेब है नाशपाती है आडू अमरूद इत्यादि अमरूद को छत्तीसगढ़ी में भी कहा जाता है तो ये फल को अगर आप देखेंगे कच्चे में आप तोड़िए कुछ दिन इसको रखिए ये पक जाएगा क्या है में तोड़िए कुछ दिन रखिए पक जाएगा अच्छा ये होता क्यों है तो इसको समझने के लिए हमें दूसरे को पढ़ना पड़ेगा दूसरा क्या आपका मतलब नॉन अगर आपने पेड़ में तोड़ दिया मतलब पेड़ में पकने से पहले तोड़ दिया तो ये नहीं पकने वाले सूख जाएंगे गल जाएंगे सड़ जाएंगे पकेंगे नहीं ठीक है जैसे आप नींबू को देखिए आप नींबू को तोड़िए आप हरे नींबू को तोड़िए आप उसको 10 दिन रखने की कोशिश कीजिए 20 दिन रखने की कोशिश कीजिए वो सड़ जाएगा सूख जाएगा पकेगा नहीं तो ये कौन से पौधे होते हैं या ये कौन से फल होते हैं आपके ऐसे फल जिनको पेड़ में ही मैच्योरिटी या पकने के पश्चात ही तोड़ना चाहिए क्यों आ, इसके बाद पेड़ में तोड़ने के पश्चात ये पकते नहीं है मतलब पूरा मैच्योरिटी इनका कहां होगा पेड़ में होगा पक गए हैं तभी तोड़िए अदरवाइज छूना भी नहीं है अगर आपने हाफ मेच्योरिटी में तोड़ दिया आधे पके हुए थे तोड़ दिया तो ये बाहर आके नहीं पकने वाले आपका क्या क्या एग्जाम्पल है अंगूर आप देखिएगा अंगूर बाहर सड़ जाता है लेकिन पकता नहीं है ठीक है नींबू वर्गीय जो है आपके जितने भी आप नींबू वर्गीय फल जिसको आप जानते हैं संतरा हो गया मौसमी हो गया आपका महा नींबू हो गया ठीक है और नींबू तो आपका कॉमन है ही तो ये नींबू वर्गी इसके बाद आपका अंगूर है अनार है अनार को तो आपने देखा ही होगा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स में ये सारे ही हैं अनार को आप देखिएगा कि कच्चे कंडीशन में आप उसको तोड़िए जो उसके सीड्स रहते हैं जूसी सीड्स जो रहते हैं वो अगर व्हाइट कलर के हैं तो आप उसको 10 दिन रख लीजिए वो सड़ जाएगा सूख जाएगा पर वो व्हाइट का व्हाइट ही रहेगा रेड नहीं होगा ठीक है फिर आपका बैर है आ, लीची है आंवला है अनानास है बैर के केस में भी आप देखेंगे आप उसको तोड़िएगा वो सूख जाएगा पर पकेगा नहीं क्लियर है उसके बाद अच्छा मैंने आपको बताया था कि ये क्यों होता है कि भाई एक तोड़ने के बाद पकड़ा है एक तोड़ने के बाद नहीं पकड़ा है क्यों होता है ऐसा क्या रीजन है इसका तो इसका रीजन रहता है ये रीजन आपको एक साल पूछा भी था तो इसको रीजन को आप लिख लीजिएगा रेस्पायरेशन के वजह से श्वसन के वजह से ऐसा होता है ठीक है क्या होता है श्वसन के वजह से ऐसा होता है कि भाई एक में आपका तोड़ने के बाद पक जाता है और एक में तोड़ने के बाद नहीं पकता है हाई रेस्पायरेशन होने लगा तो फल पकने लगते हैं जितना ज़्यादा रेस्पायरेशन होता है आम में आप देखिएगा आम को आप एक आ, ये जितने भी ऊपर के फल है ना इनको आप एक जगह पे एक कमरे में बंद रख दीजिएगा आपको देखिएगा वहां से एक अलग कलर की गंध आने लगेगी एक अलग स्मेल आने लगेगा ड्यू टू रेस्पायरेशन ठीक है क्या होता है रेस्पायरेशन की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं कि कोई पक जाता है तोड़ने के बाद भी कोई नहीं पकता है नेक्स्ट है आपका जलवायु के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट और ये बहुत इंपॉर्टेंट में से एक है आपका देखिए एक्चुअल में जितने भी क्लासिफिकेशन आपको लिखे गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद और भी क्लासिफिकेशन हैं बट मैंने आपको क्या बताया ज्यादा नहीं पढ़ना है जहां से क्वेश्चन कवर होते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उतने ही पोर्शन को आपको कैप्चर करना है तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है जलवायु के आधार पर ठीक है इसमें आपका तीन डिवीजन किया गया है पहला है आपका टेम्परेट फ्रूट सेकंड है आपका सब ट्रॉपिकल थर्ड है आपका ट्रॉपिकल यहाँ पे नाम चेंज कर दीजिएगा यहाँ पे ट्रॉपिकल हो जाएगा ये टेम्परेट हो जाएगा ये सब ट्रॉपिकल अब होता क्या है चलिए थोड़ा सा नक्शा ड्रॉ कर लेते हैं चलिए मेरे को तो उतना अच्छा वैसा नक्शा बनाना नहीं आता है बट फिर भी अगर मैं भारत को कुछ ड्रा करूं मैं पहले से बता रहा हूं मेरा नक्शा कुछ ज़्यादा खास बनता नहीं है एक हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं थोड़ा सा यह आपका भारत है मान लेते हैं ठीक है मान क्या लेते हैं है ही है भारत तो भारत के क्लाइमेट को ना डिवाइड किया गया है ठीक है आप भूमध्य सागर वाला रेखा देखिए वो सारी चीज़ें अलग बात है यहाँ से ऐसे कटता हुआ जाता है वो अलग मैटर है तो होता क्या है आप यहाँ वाले पोर्शन में जो आपका जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख वाला पोर्शन है और यहाँ पे आप आ जाइए जो केरल वाला पोर्शन है दोनों में बहुत डिफरेंस है आप देखेंगे कि ये वाले पोर्शन में गर्मी ज्यादा रहती हीट ज्यादा रहता है टेम्परेचर ज्यादा रहती ये वाले पोर्शन में टेम्परेचर कम रहता है कोल्ड ज्यादा रहता है स्नो no फॉल्स गिरते हैं बर्फ जमने लगते हैं और ये जो बीच वाले पोर्शन है यहाँ टेम्परेचर नॉर्मल रहता है ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम ठीक है ये वाले रेखा की बात नहीं कर रहा हूँ ये तो जो आपका उष्ण कटिबंधी रेखा है यहाँ तो गर्मी पड़ेगी बट ये वाले जो पोर्शन है जो आपका दिल्ली वाला है जो हरियाणा वाला पोर्शन है पंजाब वाला पोर्शन है वहां पे जो गर्मी रहती है वो थोड़ी मतलब ठंडी और गर्मी का मिक्स कॉम्बिनेशन रहता है चलिए वापस आ जाते हैं उष्ण मतलब सॉरी ट्रॉपिकल रीजन मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पे गर्मी ज्यादा रहती है ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है आर्द्रता ज्यादा रहती है गर्म रहता है सूखा ड्राइनेस पाया जाता है ठीक है ऐसे क्लाइमेट्स को आपको क्या बोलते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट मतलब जो गर्म स्थान पे पाए जाते हैं उस क्लाइमेट को तो ऐसे स्थानों पे आपकी जो फसल उगते हैं वो आपका आम आपको पता होगा यूपी में सबसे ज्यादा आम का उत्पादन बहुत ज्यादा किया जाता है आम फिर आपका है केला पपीता कटहल, काजू नारियल टेम्परेट में आ जाते हैं शीतोष्ण मतलब आपका जम्मू कश्मीर ये हिमाचल प्रदेश ये जो लद्दाख वाला शिमला वाला जो पोर्शन है ये वाला मतलब ऐसे क्षेत्र जहां का तापमान बहुत कम रहता है ठंडी पड़ती है बर्फ जमने लगते हैं ऐसे तापमान में जिन फलों का उत्पादन किया जाता है उसको टेम्परेट रीजन के फ्रूट्स बोलते हैं सेव है आपका सबसे बेस्ट स्ट्रॉबेरी आपको पता ही होगा बादाम और नाशपाती और लास्ट में आते हैं आपकी उपोष्ण ना बहुत ज्यादा ठंडा ना बहुत ज्यादा गर्म ठीक है मिक्स कॉम्बिनेशन उसको क्या बोलते हैं आपका उपोष्ण या इसी को सब ट्रॉपिकल बोला जाता है तो यहां पे आपकी बहुत सारे फल जो है उगते हैं क्योंकि मीडियम टेम्परेचर वाला पोर्शन जो है भारत में बहुत ज्यादा है ठीक है तो इसमें आपके क्या क्या है आपका संतरा है आपका बैर है आपका अंगूर है लीची आंवला खजूर अनार नींबू संतरा अमरूद अंजी ऑलमोस्ट बहुत सारे जो बच गए ना रिमेन जो बच गए वो सारे के सारे आ जाते हैं यहाँ पे फिर आपका नेक्स्ट है प्रकाश दीप्ति काल के आधार पे तो इसके बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं फोटो पीरियडिज्म के बेस पे कि आपका फोटो पीरियडिज्म जो रहता है दस से बारह घंटे का ड्यूरेशन अगर उससे ज्यादा चाहिए रहता है तो उसको लॉन्ग डे प्लांट बोलता हूँ उससे कम चाहिए रहता है तो शॉर्ट डे प्लांट और अगर फर्क नहीं पड़ता पौधे को प्रकाश की रोशनी से भाई ज्यादा हो या कम हो वो एडजस्ट कर लेता है तो उसको डे न्यूट्रल तो शॉर्ट डे में आपका कॉफी स्ट्रॉबेरी और अनानास आते हैं जिनको कम प्रकाश की आवश्यकता रहती है फ्लावरिंग के टाइम दीर्घ में आता है आपका केला और सेब इनको ज़्यादा लाइट चाहिए और डे न्यूट्रल जो कि सबसे ज़्यादा मैंने बताया डे न्यूट्रल से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं अमरूद और पपीता ठीक है इनको प्रकाश की कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी आपको पता होगा जो अमरूद और पपीता है वो लगभग साल भर फ्रूटिंग उनकी होते रहती है साल भर उनमें क्रॉप्स मतलब आपके फल आते रहते हैं तो इसलिए उनको ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं ये जो दो क्लासिफिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है और साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है ठीक है इसको ध्यान से समझिएगा पहला आपको बोला गया है फलों के प्रकार के आधार पे मतलब जो आपका फल है वो किस प्रकार का फल है भाई बैरी है कि ड्रूप है कि ये क्या है मैं आपको बताऊंगा और नेक्स्ट है आपका खाने वाले भाग के आधार पे कि उस फल का कौन सा हिस्सा खाया जाता है यहां से सबसे ज्यादा साइंटिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके पोमोलॉजी से तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेरी मतलब आपका क्या रहता है ऐसा फल जिसमें पूरा का पूरा हिस्सा जो है जिसमें जो बीज रहता है वो बीज भी आपका क्या रहता है कठोर नहीं पाया जाता ठीक है एक्चुअल में खजूर में तो पाया भी जाता है बाकी सब में आप देख सकते हैं अंगूर अमरूद और या पपीता या केला रहता है इनके बीज को खाया जा सकता है तोड़ के खा सकते हैं खजूर का अगर मैं छोड़ दू तो।, तो इसमें होता है क्या है इसको ऐसे समझिएगा कि जो आपका फ्रूट रहता है ना ये फ्रूट है ये तीन हिस्सों में डिवाइड रहता है क्या रहता है तीन हिस्सों में डिवाइड सबसे बाहर वाले हिस्से को बोलते हैं एग्जोकार्प बीच वाले हिस्से को बोलते हैं मीजोकार्प और जो सबसे सेंटर वाला हिस्सा रहता है इसको बोलते हैं एंडोकार्प ठीक है ये हिस्सों के नाम है जैसे आपकी बॉडी में भी रहता है ना जो सेल वॉल पाया जाता है सेल वॉल में आपका प्राइमरी सेल वॉल रहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल रहते हैं ठीक है आउटर सेल वॉल इनर सेल वॉल जो आपने सुना ना वैसे भी फलों में भी रहता है जो सबसे बाहरी हिस्सा रहता है उसको एक्सोकार्प बोलते हैं जो उसके बीच वाला हिस्सा रहता है उसको मीजोकार्प और जो सबसे सेंटर वाला हिस्सा रहता है मध्य वाला हिस्सा इसको एंडोकार्प बोलते हैं और ये तीनों को कंबाइन रूप में पेरिकार्प बोला जाता है क्या है पैरी तो पैरीकार्प क्या हुआ ओबरी या अंडाशय का विकसित भाग जिससे कि फल के अलग अलग लेयर्स बनते हैं सबसे बाहर लेयर उसके बाद का लेयर और सबसे अंदर का लेयर तो बेरी में क्या होता है ना ये तीनों के तीनों लेयर जो रहते हैं वो आपके फ्लैशी कंडीशन में रहते हैं। हार्ड नहीं रहते सॉफ्ट रहते हैं ठीक है इनको बेरी कहा जाता है एग्जाम्पल में आपका केला पपीता खजूर अंगूर अमरूद इसमें से जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था मैं आपको बता दू केला पपीता और अमरूद से क्वेश्चन आया है आपका क्लियर है नेक्स्ट है आपका ड्रूप तो ड्रूप ऐसे फल रहते हैं जिनका एंडोकार्प जो रहता है सबसे बीच वाला हिस्सा वो कठोर रहता है यहां फिर से एक एक्सेप्शन है नारियल नारियल का सबसे बीच वाला हिस्सा ही कठोर नहीं रहता बाहरी हिस्सा कठोर रहता है बट क्या रहता है वापस से मैंने बताया आपको कुछ एक्सेप्शन भी रहते हैं तो ये सारे एक्सेप्शन है जैसे कि आपका खजूर हो गया या आपका नारियल हो गया बाकी आप सारे फलों को देख लीजिए अंदर का हिस्सा जो रहेगा आपको कठोर मिलेगा और बाहर का हिस्सा मतलब एंडोकार्प आपका कठोर रहेगा मीजोकार्प और एक्सोकार्प जो रहेगा वो नरम रहेगा आम में देख सकते हैं गुठली रहता है बैर में देख सकते हैं बीज रहता है कॉफी में भी सेम कैसे आपका बादाम और जामुन में भी यही चीजें हैं नेक्स्ट है आपका बलुस्टा बलुस्टा किसको बोलते हैं ऐसा फल जिसमें आपके एग्जोकार्प के अंदर बहुत सारे बीज पाए जाते हो आप अनार में देखिएगा बहुत सारे सीड्स पाए जाते हैं इनको क्या बोला जाता है बलुस्टा तो बलुस्टा का एग्जाम्पल क्या है अनार इसके बाद आपका है पेपो तो पेपो क्या रहता है ऐसा फल जो एक ओवरी से निर्मित रहता है और इसमें भी फल के अंदर बीजों की संख्या ज्यादा पाई जाती है पर इन बीजों को खाया नहीं जाता आपके बलुस्टा में बीजों को खाया जाता है पैपो में बीजों को नहीं खाया जाता आप तरबूज या खरबूज के बीज थोड़े खाते हो ककड़ी के बीज थोड़े खाते हो ककड़ी का चलो फिर भी खा लेते हो पता ही नहीं चलता है बट जनरली देखिएगा कुछ कुछ जगहों पे उसके बीज को निकाल दिया जाता है तो पेपो क्या हो गया ऐसा फल जो कि एक सिंगल ओवरी से निकला हो एक सिंगल ओवरी से बना हो इसमें बहुत सारे बीज पाए जाते हैं और फिर आपका आता है पोम तो पोम ऐसा फल है जिसमें एक्सोकार्प और मीजोकार्प रहता है ये थोड़ा हार्ड रहता है पर फ्लैशी रहता है जबकि एंडोकार्प में बीज पाया जाता है बीज आपका मीजो में नहीं पाया जाएगा जैसे अभी तक क्या हो रहा था आपका जैसे कि मैं अगर अमरूद की बात करूं तो क्या हो रहा था मीजो वाले पार्ट पे आपके बीच वाले पार्ट पे बीज पाया जाता था यहां पे पपीता में भी सेम होता था ठीक है और अगर मैं आपके आम वाले पोर्शन में जाऊं तो एंडो पार्ट पे पाया तो जाता था बट फ्लैशी पार्ट जो रहता था जो बाहर का पार्ट रहता था वो उतना हार्ड नहीं रहता था पोम में क्या रहता है बाहर के अगर आप आम और सेब का कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता होगा कि सेब का जो लेयर रहता है बाहरी लेयर वो थोड़ा सा टाइट रहता है ठीक है उसके बाद आपका मीज़ोकार्प वाला पोर्शन आता है बट आपके एंडोकार्प वाले पोर्शन में ठीक है यहाँ पे ऐसे ऐसे बीज लगे रहते हैं ठीक है साइड साइड पे ऐसे बीज लगे रहते हैं इसी को आपका क्या कहा जाता है पोंग फिर आपका है एस्पेरिडियम तो ऐसा फल जिसमें रेशे पाए जाते हैं और इन रेशों में जूस पाया जाता हो आप नींबू को उठा के देख लीजिए ऐसा नींबू रहता है ठीक है फ्लैशी पार्ट्स ऐसे पाए जाते हैं आप देख सकते हैं नींबू में क्लियर है ये तो वैसे बहुत बड़ा बना दिया छोटे छोटे रहते हैं आपके रेशेदार पार्ट और इन रेशेदार पार्ट में आपका क्या रहता है जूस भरा रहता है इसको हेस्पेरेडियम बोलते हैं एग्जाम्पल आपका नींबू सोरोसिस जो रहता है वो पत्तियों का रूपांतरित रूप रहता आप नानास है आप अनानास को देखिएगा पत्तियों का रूपांतरित रूप है पत्तियां निकले रहती हैं अलग से तो पत्तियों के रूपांतरित रूप से जो फल बनता है उसको सोरोसिस बोलते हैं नट मतलब ऐसा फल जिसका आउटर लेयर जो रहता है वो कठोर रहता है और उस आउटर लेयर को तोड़ के फल को खाया जाता है नेक्स्ट है आपका कैप्सूल मतलब ऐसा फल जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ हो ठीक है और उसके अंदर आपका फल पाया जाता है जैसे कि आपका भिंडी और आंवला नेक्स्ट है आपका खाने वाले भाग के आधार पर अब हमने ये तो देख लिया कि फल का प्रकार क्या है अब उस फल के प्रकार के कौन से हिस्से को कहा जाता है तो सबसे पहला पेरी कार्प मतलब किससे एग्जोमीजो और एंडो इन तीनों से मिलकर क्या बना रहता है पेरी मैंने आपको पहले बताया तो पैरिकार्फ में आपका क्या आ गया बैर और खजूर एंडोकार्प में आपका क्या आ गया नारियल आप, मतलब आप नारियल के पपीते का भी छिलका निकाल दिया जाता है आम का भी छिलका निकाल दिया जाता है ठीक है पपीते के बीच में आपके बीज पाए जाते हैं आम के बीज में भी बीज पाए जाते हैं तो एंडो और एक्सो वाले पोर्शन को हटा देते हैं मीजो वाले पोर्शन को खाते हैं यह आपका पपीता और आम का हो गया फिर प्लेसेंटा तो प्लेसेंटा का बेस्ट एग्जाम्पल आप बैल है लेकिन टमाटर आप, आप देखिएगा ये ये रहता, रहता।, रहता है और वो पल्प से एक सफेद कलर के लेयर से घिरा रहता है उसी लेयर को प्लेसेंटा बोलते हैं आप बैल को भी जब तोड़ेंगे ना बड़ा सा बैल का हिस्सा तो आप देखेंगे बैल ऐसे को जुड़ा रहता है यहां से रेसे निकले रहते हैं ठीक है अंदर पल्प भरा रहता है लेकिन वो जो रेशे वाला प्लेसेंटा वाला पोर्शन है ठीक है उसको क्या बोला जाता है आ, प्लेसेंटा और ह्यूमंस के केस में आप देखेंगे जब बेबी निकलता है तो एक जो नाल निकलती है उसको क्या बोला जाता है प्लेसेंटा तो यहां भी वही केस में रहता है ठीक है क्योंकि इसी से आपका जो ये ऊपर वाला निकलेगा ये वाला पोर्शन प्लेसेंटा से ही जुड़े रहता है ठीक है फिर नेक्स्ट है आपका ज्यूसी सीड अनार जैसे कि मैंने आपको बताया था सीड्स ज्यादा पाए जाते हैं और उन्हीं सीड्स को खाया जाता है तो उसको ज्यूसी सीड्स क्योंकि उस सीड्स में जूस भरा रहता है फिर नेक्स्ट है आपका ब्रैक्टिस ब्रैक्टिस मतलब अनानास वाला पोर्शन जो लीफी पोर्शन जो मैंने आपको यहां बताया था सोरोसिस उस लीफी पोर्शन को कट करके खाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं आपका ब्रैक्टिस फिर नेक्स्ट है आपका, आपका थैलेमस तो थैलेमस मतलब क्या हिस्सा रहता है सेव का जो केस रहता है मैंने आपको सेव केस में बताया था सेव के केस में एंडो एक्सो uh, मीजो को नहीं लिया जाता है इसमें क्या किया जाता है आपका ये जो आपका सेव रहता है ठीक है ऐसे तो सेव में तीन हिस्से पाए जाते हैं ठीक है तो ये वाला जो हिस्सा रहता है ना ये बीच वाला जिसको हम यहाँ मीजो बोल रहे थे सेव के केस में इसको थैलेमस बोलते हैं अच्छा थैलेमस क्यों बोला जाता है भाई मीजो क्यों नहीं बोला जाता ठीक है क्वेश्चन तो ये भी आता है तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक और क्लासिफिकेशन यहां जो मैंने नहीं बताया इसी चीज के लिए अभी तक नहीं बताया था एक और क्लासिफिकेशन में यह कहा गया है कि दो तरीके के फ्रूट होते हैं एक को ट्रुथ फ्रूट बोला जाता है एक को फ़ाल्स फ्रूट बोला जाता है यह क्वेश्चन आपका पूछा है कि सत्य फल किसको कहते हैं और असत्य फल किसको कहते हैं तो सत्य फल ऐसे फल को कहते हैं जिनका विकास ओवरी से हुआ रहता है सीड से हुआ रहता है ठीक है उनको क्या बोला जाता है आपका ट्रू फ्रूट जबकि फॉल्स फ्रूट का मतलब रहता है जिन फलों का विकास थैलेमस या कैलिक्स से होता है उसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं और फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल में सेव और स्ट्रॉबेरी आएंगे आपका इनको फॉल्स फ्रूट बोला जाता है ठीक है थैलेमस वाला पोर्शन तो इस क्लासिफिकेशन को भी याद रखेंगे ट्रू फ्रूट में आपका क्या आ जाएगा आम आ जाएगा बैर आ जाएगा अमरूद आ जाएगा ये सारे आपके किस में आएंगे ट्रू फ्रूट में नेक्स्ट है आपका ज्यूसी प्लेसेंटा हेयर ठीक है तो ज्यूसी प्लेसेंटा हेयर मतलब क्या है फिर मैंने आपको बताया था ये वाला पोर्शन जो आपका नींबू वाला था यहाँ पे रेशे रेसे, -रेसे पाए जाते थे तो हेयर हो गया आपका रेशा प्लेसेंटा मतलब ये वाला पोर्शन जो कि आपके टमाटर के जैसा रहता था और ज्यूसी मतलब पल्पी उसमें रस भरा रहता था इसलिए इसको क्या बोलते हैं ज्यूसी प्लेसेंटा हेयर नींबू वर्गीय जितने भी आपके चाहे आपका मौसमी हो चाहे आपका संतरा हो चाहे आपका नींबू हो अटर्रा हो जो भी आप लेना चाहें फिर नेक्स्ट है पेरीकार्प और प्लेसेंटा पेरीकार्प मतलब ये तीन तो रहेंगे ही साथ ही साथ आपका प्लेसेंटा जुड़ जाएगा अंगूर आप अंगूर को कभी खा मतलब निकाल के देखिएगा ऐसे ये जो आपका अंगूर रहता है आप ध्यान से देखेंगे कि यहां आपको ना थोड़ा थोड़ा ऐसे रेसा टाइप दिखेगा ठीक है होता है ना उसी रेसा को प्लेसेंटा बोलते हैं तो इसमें क्या रहता है पेरीकार्प मतलब पूरे फल को तो खाते ही है साथ में उसमें थोड़ा सा प्लेसेंटा रहता है यह आपका अंगूर है अमरूद में क्या है थैलेमस और पेरीकार्प

केला में आप देखते हैं ना केला को छील के खाया जाता है मतलब एग्जो पार्ट को हटा दिए जो बच गया उसको खाना है फिर नेक्स्ट है आपका प्लेसेंटी सॉरी प्ले प्लेसी थैलेमस फ्लैशी थैलेमस इसको बोला जाता है थैलेमस सेवर नाशपाती वापस से यही किस्सा आ गया ये जो थैलेमस वाला पोर्शन है इसी को खाया जाता है फ्लैशी पार्ट रहते हैं तो ये आपका क्लासिफिकेशन था फ्रूट का आ, आई होप ये आपको समझ आया हो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको फिर से बता रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको क्लियर है थैंक यू सो मच